अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही चटपटी सी जायकेदार रेसिपी, जो कि है भरवा भिंडी। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो शुरू करते हैं। 500 ग्राम हमने भिंडी ले ली है और उसको हमने अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लिया है। अब हम इसकी टॉप को कट करेंगे। किस तरह से काटनी है देखिए, बिल्कुल पतला पतला गोलाई से इस तरह से हमें इसको निकालना है, ताकि भिंडी के हॉल जो होते हैं वो हमको नज़र नहीं आए, और इधर की नोक भी हमको थोड़ी सी काट लेनी है, और एक हमें इसमें बीच में कट लगा देना है ताकि हम इसमें मसाला भर सकें। ये देखिए, बस इस तरह से हमें कट लगा लेना है। ये हम इसमें मसाला भरेंगे और इसी तरह से हमको सारी भिंडी के टॉप को कट कर लेना है और नोक पे से भी काट लेना है। भिंडी को हमेशा पहले धोते हैं और फिर कट करते हैं, तो ये याद रखें कि हमें पहले भिंडी को धो लेना है, बाद में फिर इसको कट करना है। तो अब हम भरने के लिए मसाला तैयार करते हैं। एक टीस्पून हमने अमचूर पाउडर ले लिया है और एक टीस्पून ही हमने ज़ीरा लिया है कूट कर। एक टेबलस्पून अचार का मसाला है, इसको भी हमने अच्छी तरह से कूट लिया है। 1 से 1.5 टीस्पून इसमें लाल मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, और नमक हमने लिया है 1.5 टीस्पून। थोड़ा कम ही डालें 1.5 टीस्पून से, जो लोग कम खाते हैं उनको परेशानी हो जाती है नहीं तो। और 2 टीस्पून हमने इसमें पिसा हुआ धनिया लिया है, क्योंकि लास्ट में अगर हम नमक थोड़ा कम रखते हैं तो हम लास्ट में थोड़ा डाल सकते हैं, अगर तेज़ हो जाए तो परेशानी होती है। इसी तरह से जो मिर्च तेज़ खाते हैं वो थोड़ी मिर्च ज़्यादा रख लें, क्योंकि ये भिंडी चटपटी सी अच्छी लगती है। अच्छी तरह से सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे और भिंडी में भरना शुरू करेंगे। हमने इसको थोड़ा सा खोल लेना है और चमचे की मदद से इसमें हम मसाला डाल देंगे। बहुत ही आराम से भर ली जाती है ये भिंडी। बस इतने से चमचे में हमें मसाला लेना है और हाथ से थोड़ा सा इसको खोल लें, और सारी भिंडियाँ हमको इसी तरह से भर कर रख लेनी है। ये बहुत ज़ायकेदार लगती हैं और बहुत झटपट बनकर तैयार भी हो जाती हैं। और 300 ग्राम मैंने प्याज ली है, ये रफली चॉप कर ली है। ये प्याज किस तरह चॉप किए देखिए, प्याज को आधा आधा कर लिया, फिर इस तरह से कट लगाए और बारीक बारीक हमने इसको काट लिया है। इस तरह से ये प्याज भी तैयार कर ली है मैंने, और इसको आज मैं बना रही हूँ मस्टर्ड ऑयल में, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब हम चूल्हे पर रख देंगे एक पैन या कढ़ाई, जिसमें हमें बनाना है। चूल्हा चालू कर हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, और एक चुटकी हम इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। तेल का कलर चेंज होने पर और धुआं उठने पर हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। बस ये देखिए, अब तेल का कलर भी लाइट हो गया है, हमने ज़ीरा इसमें डाल दिया है, और फौरन ही हम इसमें प्याज भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। उधर हमने भिंडियाँ भी अपनी सारी भर कर रख ली हैं मसाले से, ये सब तैयार करके हम एक तरफ रख देंगे और प्याज को भी चलाते रहेंगे। तो ये भिंडी की जो सब्ज़ी है बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती है। 5 से 7 मिनट इसके बनने में लगते हैं, तैयारी में तो समझ लीजिए आधा घंटा लग ही जाता है, क्योंकि भिंडियों को भरना भी होता है। तो बस हमारी प्याज को अब 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, और इसका कलर हो गया है देखिए इस तरह का। तो अब हम इसे ढककर रख देंगे 1 से 1.5 मिनट। अब हमने चूल्हा भी इस टाइम पे स्लो कर दिया है, हमें बिल्कुल इसको डार्क कलर नहीं देना है, और प्याज को थोड़ा सॉफ्ट करने की वजह से मैंने इसे ढका है। 1.5 मिनट भर इसको मैंने ढक कर रखा, और अब इसको अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। प्याज में अभी भी थोड़ी नमी है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई है, इसका कलर इस तरह का हो गया। तो अब मैंने इसमें मसाला जो बचा हुआ था भिंडियों का वो भी शामिल कर दिया है, और इसको बहुत अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर दूंगी मैं। और भिंडियाँ जो हमने तैयार करके रखी हैं वो भी अब इसमें शामिल कर देंगे। भिंडियाँ डालने के बाद हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है प्याज को और भिंडियों को, क्योंकि अगर तले में प्याज रह जाएगी तो प्याज जलने का डर है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दें। भिंडियाँ डालने के बाद जब ये सारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी सब्ज़ी, तभी हम इसे रखेंगे दम पर, वो भी 5 मिनट के लिए। पहले बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑयल वग़ैरह आप अगर चाहें तो दूसरे ऑयल में बना लें, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में अगर बनाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा
अच्छा आता है। जो मैंने तेल में नमक डाला था वो इसलिए डाला था ताकि हम प्याज डालें तो तेल के छींटे ऊपर ना उछलें। अब मैंने ढक के रख दिया है इसको 5 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो आंच करके, क्योंकि हमें इसे पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है। जो भिंडियों में नमी होती है और प्याज में जो थोड़ी बहुत नमी है, इसमें ये गल जाती है। ये देखिए भिंडियाँ हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। हमें इसी तरह की भिंडियाँ ये चाहिए थी। तो ये जो हम भिंडियाँ भरते हैं तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी भिंडियाँ नहीं चाहिए होती, छोटे साइज़ की इसमें हमें भिंडियाँ लेनी होती हैं। और बिल्कुल कच्ची जो भिंडियाँ होती हैं वही हमें चाहिए होती हैं, जिसमें मोटे मोटे बीज होते हैं वो भिंडी इस रेसिपी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। तो अब मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून नींबू का रस, वो चारों तरफ फैला कर डाल दिया है। फिर 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको ढक के रख दिया और अब मैंने खोल कर देखा और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया। सब्ज़ी हो गई है हमारी बिल्कुल रेडी। इस टाइम पर आप चाहें तो नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम लगे तो नींबू के साथ, जब हमने नींबू शामिल किया है तभी नमक भी शामिल कर लें। बस हमारी रेसिपी अब तैयार है। हम इसको रखेंगे चूल्हा बंद करके 2 मिनट के लिए, फिर सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी चटपटी एकदम भिंडी। आप चाहें तो इसे किसी भी दाल सब्ज़ी के साथ या खाली ऐसे ही चपाती के साथ या चावल के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अल्लाह हाफिज़।